हमारे यूनिवर्स में 27 नक्षत्र हैं और ये 27 नक्षत्र का एक अपना लॉर्ड है, यानी एक उसका अपना लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड जिसको हम ग्रह समझते हैं, एक उसका अपना डेटी है, भाई एक उसका अपना भगवान है। हर नक्षत्र की अपनी एक कहानी है, हर नक्षत्र की अपनी एक कहानी है। उस कहानी के माध्यम से नक्षत्र हमें ये बताता है कि भाई सामने वाले की नेचर कैसी होगी, वो इंसान जो उस नक्षत्र में पैदा हुआ वो इंसान की बनावट कैसी होगी, उसकी जिंदगी में क्या क्या चीजें आएंगी। तो ये सब चीजें तो आपके जन्म के वक्त आपका नक्षत्र तय कर देता है। फिर जो 9 ग्रह आपकी कुंडली में बैठते हैं वो भी किसी नक्षत्र पे बैठते हैं, जो अपने अपने काम करते हैं, ये हम सबको मालूम है। अब ऐसे ही मान लीजिए कि भाई किसी को बच्चा नहीं हो रहा, भाई बच्चा नहीं हो रहा, तो हम लोग ये सब जानते हैं कि भाई बच्चे का कारक जो है वो कौन सा नक्षत्र बनता है, कौन सा ग्रह बनता है। उस ग्रह को हमने पकड़ के पूजा भी करवा दी, हमने उस ग्रह को पकड़ के उसके इलाज भी करवा दिए, फिर भी फायदा नहीं हुआ। तो हमें उस ग्रह के नक्षत्र को पकड़ना है, नक्षत्र को पकड़ के हमें उसके जन्म नक्षत्र से कोऑर्डिनेशन देना है, तो जाके रिजल्ट्स आते हैं। मान लीजिए कि भाई किसी की जॉब नहीं है, बेचारा बहुत परेशान है, बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है, कोविड के टाइम में बहुत लोगों की जॉब्स गई और सब लोग परेशान रहे। अब इस जॉब नहीं होने की वजह से हम लोग जानते हैं कि जॉब का कारक सूर्य बनता है, सूर्य का नक्षत्र उत्तरशारा है, एक उत्तरशारा नक्षत्र की रिमेडी करवाने से इंसान के पास 10 दिनों में जॉब आ जाती है। और ये रिमेडी हम किस माध्यम से करवाएंगे, ये रिमेडी हम उसको एक साबुन के माध्यम से करवाएंगे। अगर आप देख सकते हो मेरे हाथ में एक साबुन है, ये साबुन उत्तरशारा नक्षत्र का है। उस इंसान को आप देके ये कहोगे कि भाई आप इससे नहाएं, 10 दिन वो इससे नहाएगा, 10 दिन के अंदर ही जॉब मिलती है। ऐसे ही बहुत सारे साबुन बनते हैं और ये साबुन आपको यहां बनाना प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। साबुन बनाना बहुत आसान है, घंटे भर में आपका साबुन बन के रेडी हो जाता है। आप इसको बना के रख सकते हो, 2 साल तक ये साबुन खराब नहीं होते। इसको आप बस नहाने के वक्त, जैसे नॉर्मल हम लक्स डब से नहाते, उससे आप इसको यूज कर सकते हो और आपको रिजल्ट्स आते हैं। इस रिसर्च को मैंने 6 साल रिसर्च किया है, मेरे पास हर नक्षत्र का साबुन है और उन साबुन से नहाने से लोगों को रिजल्ट्स आए हैं। जो प्रॉब्लम उनकी होती है उसके मुताबिक उनको ये सोप दिया जाता है और उनको रिजल्ट्स आते हैं। ये उत्तरशारा का जो साबुन है, इसके अंदर आप विश्वास नहीं करोगे कि ऐसी क्या इंग्रेडिएंट है जो उसको नौकरी दिलवाता है। उस चीज को हम सब सब्जी में खाते हैं, उस चीज को हम सब सब्जी में खाते हैं जिसको फनस कहते हैं और जिसको हम जैक फ्रूट कहते हैं इंग्लिश में, उसका सोप है ये। बस इससे उस इंसान को 10 दिन में जॉब मिलती है। इतनी छोटी सी बात है और हम इसको घुले के घूमते रहते हैं पूरी दुनिया में, अपनी मुसीबत को इतने मंत्र जाप करते हैं, इतनी जगहें जाते हैं, इतने बड़े बड़े उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी इंसान सामने से ये कहता है कि भाई पूरी तरह से तो नहीं गया, वो प्रॉब्लम जो थी अभी भी बरकरार है,
उसके लिए अगर हम नक्षत्र थेरेपी से काम करें, हर प्रॉब्लम का समाधान आपके सामने होगा। जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है उनके लिए तो और भी आसान है इस चीज को ऐड करना अपनी सेवाओं में। जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है उनके लिए भी ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा और एनलाइटनिंग होगा, क्योंकि इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है। जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है वो तो इसको और आगे तक ले जा सकते हैं। जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, जिनको कुछ भी नहीं मालूम, वो इसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। आप इस पे अपने लेबल्स लगा के मार्केट में उतार सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस थेरेपी को पूरी दुनिया में फैलाया जाए, जिससे लोगों का फायदा हो। इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे जीरो नुकसान है और फायदा 100% है। आपको खाली नर्व्स पकड़ के दवाई देनी है। कोई तांत्रिक उपाय नहीं है ये, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है ये, कोई ये बैकफायर नहीं करता। जो बनाने वाला है उसको भी कोई तकलीफ नहीं आती, बल्कि आपका फायदा ही होता है। नक्षत्रों की कहानी से के माध्यम से आप इलाज करोगे और इलाज आपके घर पे ही मिलेगा। इसमें हर्ब्स जाती हैं, इसमें अरोमा ऑयल्स जाते हैं, इसमें आपकी तरह तरह की सब्जियां के प्यूरीज जाते हैं। साबुन 1 घंटा लगता है बनाने में, कोई गैस की, कोई लैब की, किसी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने किचन में खड़े होके इसको बना सकोगे। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि भाई मान लीजिए कि आजकल घरों में बहुत कलेश होते हैं, हर इंसान चिड़चिड़ा सा रहता है, हर इंसान गुस्से में घूमता है, इरिटेट रहता है। उसका भी इलाज आप नक्षत्र सोप के द्वारा कर सकते हो। नजर दोष का इलाज आप नक्षत्र सोप के द्वारा कर सकते हो। डिप्रेशन का इलाज आप नक्षत्र सोप के द्वारा कर सकते हो। मन अच्छा नहीं है, बार बार खराब ख्याल आते हैं, नींद नहीं आती है, टांगों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, या कोई ऐसा दर्द है जो बहुत सालों से है। ग्रह को जानते हो आप कि भाई ये तो ग्रह है, शनि जी ने दिया, अब लंबा चलेंगे। रिलीफ आप पा सकते हो इन्हीं साबुन के माध्यम से। हर मजहब के इंसान पे ये चीज काम करती है, बनानी बहुत आसान है। कुछ ज्यादा इसके लिए आपको चाहिए नहीं, कोई बड़ी रकम आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। साबुन बनने के बाद 2 साल तक साबुन खराब नहीं होते। खाली सामने वाले ने इससे नहाना है और वो आपका उसका काम हो जाएगा और वो आपका परमानेंट क्लाइंट हो जाएगा। ये जो चीज है ये आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रिसर्च मेरी है और मैं चाहती हूं कि इसको पूरे वर्ल्ड में फैलाया जा सके। अब मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी। अगर किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है तो वो हाथ रेस कर सकते हैं। आप हैंड रेस करोगे तो ही मैं आपसे गैलेक्सी वन जी प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कीजिए बात करने के लिए और अपना नाम भी मुझे बताइएगा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। नमस्कार मैम। नमस्ते, क्या आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो? हाँ जी मैम, अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर ऑन हो जाए तो। नेटवर्क का अभी इशू चल रहा है। नाम आप पूछ रहे थे मैम, सरबजीत कौर। अच्छा। मैम मुझे प्रॉब्लम जो है क्रॉनिक कह सकते हैं, बैक एक है काफी सालों से, और अदरवाइज भी जनरली बहुत ज्यादा हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। कब क्या होता है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कौन सा दिन ठीक रहता है कौन सा दिन नहीं रहता है। पहले वंस अ मंथ होता था, फिर वंस इन 15 डेज, अब तो सुबह ठीक है तो शाम को बिल्कुल तबीयत खराब है। तो कुछ भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल सा हो गया, क्या हुआ है वो भी नहीं पता होता। मैं मेडिकली कुछ खास ऐसा आता नहीं है प्रॉब्लम, हाँ लेकिन बैक में इश्यूज रहे, सर्जरीज हुई थी मेरी और एक बार फ्रैक्चर भी हुआ है, और उसके बिना भी मेरी बैक एक हमेशा से ही रही है मैम।
तो आप अगर उस पे कुछ बताना चाहें। आपको अपना नक्षत्र पता है, जन्म नक्षत्र? नहीं मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके केस में जो आपका जन्म नक्षत्र होगा वो कहीं ना कहीं आपके केतु के नक्षत्र से आमने सामने पड़ गया होगा, और जिस टाइम वो आमने सामने पड़ गए तो आपको तब से ये प्रॉब्लम चल ही रही है। इसका उपाय आपको इस थेरेपी में बिल्कुल मिलेगा और उससे आपको इतना रिलीफ आएगा। मैंने पहले ही कहा था कि भाई कमर की दर्द, पुरानी कोई चीज जो आपके साथ लगी हुई है, या नजर दोष, वो भी चीज आपके साथ लग सकती है, उसको भी आप इस माध्यम से दूर कर सकते हो। जी मैम, तो मुझे अगर नक्षत्र पता हो या ना हो इरेलेवेंट हो गया, क्योंकि आपके पास जब उपाय है ही है तो इसी स्कोप को यूज हम अगर कर ले। अगर मान लीजिए जैसे आपने कहा एस्ट्रो की नॉलेज ना भी हो हमें, है जी ना, डिटेलिंग ना भी पता, और खासकर उनके लिए अच्छा है मैम जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ या कई जैसे कुछ छूट करेक्ट गए, तो ये बहुत जी इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि हमें तो मैम देखिए रूट पे जाना ही नहीं है, यहाँ पर तो सीधा आप सोल्यूशन दे रहे हो, राइट। करेक्ट, तो सीधा ये बिल्कुल लेंगे और इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपका कोर्स होगा कि उसमें ज्वाइन करके सीखेंगे कि ये कैसे बनता है, या फिर हाँ। आपसे उपलब्ध कराएंगे, यही होगा और क्या, है ये ना। नहीं, आप खुद बनाओगे, क्योंकि मैं तो आउट ऑफ इंडिया रहती हूँ, मेरे तो वहां यहां से भेजना, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो पूरी आपको कोर्स है ये वर्कशॉप है, मतलब पूरा राइट बनाना सिखाया जा रहा है सामने राइट प्रैक्टिकली, तो इससे आप खुद बना के यूज कर सकते हो। आप खाली अपना भला नहीं करोगे, आप अपने परिवारजनों का भी भला करोगे, आस हाँ जी मैम। पड़ोस, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबको भला करोगे, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है एस्ट्रोलॉजी की पूरी नॉलेज होने के लिए इस थेरेपी के लिए। हम आपको पूरी तरीके से, जैसे अब आपके सिम्टम्स हैं, ठीक है, वो सिम्टम्स कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं कि भाई केतु और शनि की युति है, और कहीं पे आपके वो ऐसा फंसा है कि जन्मा नक्षत्र के ऊपर वहां पे आपको इश्यू आ रहा है, तो हम उसकी आपको सोप बनाने को सिखाएंगे, जो आप उसको यूज करके आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आप खत्म कर पाओगे। जी हाँ, उसी तरह से मैम मुझे लग रहा है बातों से आपके अंदाज लग रहा है कि मान लीजिए हमें मेंटल इनस्टेबिलिटी हो, या जैसे कई बार होता है कि मन में, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि शांति नहीं है, या कोई भी रीजंस हम फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं तबीयत की वजह से या और अन्य कारणों से, तो उसके लिए भी जहां तक मैं अंदाज लगा पा रही हूँ हर एक पर्पज के लिए हमारे पास एक अलग सोप होगा, हमें सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है, इतना सिंपल रहेगा, जी बिल्कुल है ना। तो बेटर ये कि हमें अब कॉन्सेंट्रेट ये करना है हमें कि कौन सी चीज हमारे लिए सूटेबल है, कौन सा सूप हमें यूज करना करेक्ट जी है ना। बिल्कुल जी तो इस मेरे ख्याल से हम कोई भी सवाल पूछे उसका एक ही सलूशन है आपके पास, जो आप इफेक्टिव है कि हमें सोप यूज करना है, और बेटर ये जी होगा कि हम सीख लेंगे तो हर तरह की प्रॉब्लम खुद की भी और लोगों की भी हेल्प कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू जी मैम, थैंक थैंक यू। यू।